हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। डिजिटल लर्निंग लाइब्रेरी के इस मंच पे एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अश्वगंधा के विधि के बारे में, उपयोग की विधि के बारे में कि किस बीमारी में इसका कैसे उपयोग किया जाता है। तो फिर देर किस बात की, आइए चलते हैं वीडियो की ओर बिना देर किए। तो सबसे पहले प्रॉब्लम जो हम जिक्र करने वाले हैं जिसका, वो है सफ़ेद बाल की समस्या। जी हाँ, सफ़ेद बाल की समस्या में अश्वगंधा काफ़ी फायदेमंद होता है और इसमें 2 से 4 ग्राम अश्वगंधा चूर्ण का सेवन कर सकते हैं। अश्वगंधा से होने वाले फायदे की वजह से बालों का सफ़ेद होना समय से पहले रोका जा सकता है और इसके साथ ही आँखों की रोशनी बढ़ाने में अश्वगंधा काफ़ी फायदेमंद होती है। और इसमें जब आँखों की कोई बीमारी होती है, विजन प्रॉब्लम होती है, तो उसमें 2 ग्राम अश्वगंधा, 2 ग्राम आंवला और 1 ग्राम मुलेठी को आपस में मिलाकर पीसकर अश्वगंधा चूर्ण बना लें। ये जो मिश्रित चूर्ण है उसको तैयार कर लेना चाहिए और फिर 1 चम्मच इस चूर्ण को सुबह और शाम पानी के साथ सेवन करने से आँखों की रोशनी में काफ़ी फायदा होता है। अश्वगंधा के फायदे के कारण आँखों को काफ़ी आराम मिलता है। अगली बीमारी जिसका जिक्र करने वाले हैं वो है गोइटर डिजीज। में गोइटर डिजीज, जिसे गले में होता है और जिसे घेघा रोग भी कहा जाता है, इस बीमारी में अश्वगंधा पाउडर तथा पुराने गुड़ को बराबर मात्रा में मिलाकर 0.5 से 1 ग्राम की वटी यानी कि पुड़िया बना लें। इसे सुबह सुबह बासी जल के साथ सेवन करें। अश्वगंधा के पत्ते का पेस्ट तैयार करें। इसका जो गोइटर, जो गले में सूजन जैसी दिखती है, उस पे लेप करें। इस लेप से गोइटर डिजीज यानी घेघा रोग में काफ़ी फायदा मिलता है। अगली बीमारी जो है वो टीबी के रोग में। जी हाँ, टीबी के रोग में भी अश्वगंधा काफ़ी फायदा दिलाता है इंसान को और इसमें अश्वगंधा चूर्ण की 2 ग्राम मात्रा को अश्वगंधा के ही 20 मिलीग्राम काढ़े के साथ सेवन करें। इससे टीबी में लाभ होता है। दूसरी विधि यह है कि अश्वगंधा की जड़ से चूर्ण बना लें। इस चूर्ण की 2 ग्राम लें और इसमें 1 ग्राम बड़ी पीपल का चूर्ण, 5 ग्राम घी और 5 ग्राम शहद मिला लें। इसका सेवन करने से टीबी रोग में लाभ होता है। खांसी के इलाज में भी अश्वगंधा का इस्तेमाल किया जाता है। अश्वगंधा की 10 ग्राम जड़ों को कूट लें। इसमें 10 ग्राम मिश्री मिलाकर 400 मिलीग्राम पानी में पकाना चाहिए। जब इसका 8वां हिस्सा रह जाए तो आंच यानी कि गैस बंद कर दें और इसमें थोड़ा थोड़ा पिलाने से इस मिश्रण को कुकुर खांसी यानी कि जो कॉन्टिन्यूस खांसी होती है बार बार, या फिर कफ की समस्या में विशेष लाभ होता है। साथ ही छाती के दर्द में भी अश्वगंधा से लाभ मिलता है। अश्वगंधा की जड़ का चूर्ण 2 ग्राम की मात्रा का जल के साथ सेवन करें। इससे सीने के दर्द में लाभ होता है। पेट की बीमारी में अश्वगंधा चूर्ण का प्रयोग कर सकते हैं। अश्वगंधा चूर्ण में बराबर मात्रा में बहेड़ा चूर्ण मिला लें। इसे 2 से 4 ग्राम की मात्रा में गुड़ के साथ सेवन करने से पेट के कीड़े खत्म होते हैं। अश्वगंधा चूर्ण में बराबर भाग में गिलोय का चूर्ण मिला लें। इससे 5 से 10 ग्राम शहद के साथ नियमित सेवन करें। इससे पेट के कीड़ों का उपचार होता है। अश्वगंधा का कब्ज की समस्या में भी फायदा लिया जा सकता है। अश्वगंधा चूर्ण या अश्वगंधा पाउडर की 2 ग्राम मात्रा को गुनगुने पानी के साथ सेवन करने से कब्ज की परेशानी से छुटकारा मिल सकता है। तथा गर्भधारण में भी अश्वगंधा के प्रयोग से लाभ लिया जा सकता है। इसमें 20 ग्राम अश्वगंधा चूर्ण को 1 लीटर पानी तथा 250 मिलीग्राम गाय के दूध में मिलाकर इसके कम आंच में पकाएं। जब इसमें से मिश्रण का सिर्फ अवशेष रह जाए यानी कि दूध बचा रह जाए, तो इसमें 6 ग्राम मिश्री और 6 ग्राम गाय का घी मिला लें। इस व्यंजन का मासिक धर्म के शुद्धि स्नान के 3 दिन बाद 3 दिन तक सेवन करने से गर्भधारण में सहायता मिलती है। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आया होगा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में अश्वगंधा के नए गुणों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।